हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का है और एक्सेस में हमारे एक व्यूअर है जिनको क्या दिक्कत आ रही है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उनकी क्वेरी कुछ इस तरह की है और यहाँ पर देख सकते हैं तैयब फिश स्टोर, इन्होंने दिया इसका नाम जो टाइटल है। यहाँ पर दो फोटोज हैं, ठीक है, पर्सन फोटो है और फिर यहाँ फिश की फोटो है, तो यानी कि ये फिश से रिलेटेड कुछ काम करते होंगे। फिर यहाँ पर आईडी है, फिर यहाँ पे नेम है, फिर मोबाइल नंबर है, एड्रेस है और यहाँ पर इनके सिटी का नाम है लाहौर और यहाँ पर डेट है, बुकिंग डेट, और फिर यहाँ पर फिश नेम है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं और यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है इनको, इनका कहना है कि आई वॉन्ट दैट आफ्टर द फिश नेम एड हियर फिश रेट, ठीक है। तो यानी कि फिश रेट, फिश नेम जो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं फिश नेम यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो है फिश नेम यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पर इसके ठीक नीचे ये फिश का रेट ऐड करना चाहते हैं और फिश का वेट ऐड करना चाहते हैं और टोटल अमाउंट ऐड करना चाहते हैं, तो ये कैसे होगा इसी की बात करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहां से सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन कर लेना है। यहां से मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन कर रहा हूँ, यहां से ब्लैंक डेटाबेस पे कर रहा हूँ क्लिक। जैसे ही ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्रिएट का एक ऑप्शन आएगा, देख सकते हैं सिनेरियो कुछ इस तरह का आ चुका है। यहाँ पर क्रिएट पर हमने कर दिया क्लिक और जो क्रिएट का ऑप्शन आ रहा था वहां क्लिक कर दिया। यहाँ पे दो व्यूज दिखाई पड़ेंगे आपको, डिजाइन व्यू पे जाना है, ये डिजाइन व्यू पे आ गए हम। यहाँ पे टेबल वन आ रहा है और टेबल वन अगर आप नेम रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक को नाम दिया है फिश डाटा, ठीक है, और दूसरे को नाम दिया है फिश प्राइस, ठीक है। तो यहां पर फिश अंडरस्कोर डाटा, ठीक है, ये कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया और यहां पर आईडी है, तो इन्होंने यहाँ पे आईडी को आईडी ही रखा है, तो यहाँ पे आईडी ही रहने देते हैं और इसे ऑटो नंबर रखते हैं हम। और यहाँ पे नेम आएगा, ठीक है, सपोज कीजिए ये कस्टमर हो सकते हैं या कुछ भी, तो यहाँ पे नेम कर दिया हमने जैसा इन्होंने डेटा बनाया है, बिल्कुल वैसा ही बना रहा हूं अभी। जो ऐड करना है वो कैसे ऐड करना है आपको अभी समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ मोबाइल नंबर आएगा, तो यहाँ मोबाइल नंबर के लिए भी चाहे तो वैलिडेशन दे सकते हैं, फिलहाल हमारा मैटर ये नहीं है कि वैलिडेशन कैसे देना है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर के लिए हम चाहे तो नंबर कर सकते हैं, ठीक है, या शॉर्ट टेक्स्ट भी रख सकते हैं एज योर विश। यहाँ पर सिटी आएगी तो सिटी मैं कर देता हूं यहाँ पर, ओके, और सिटी करने के बाद फिर यहाँ पे बुकिंग डेट आएगी, ठीक है, तो यहाँ पे कर देता हूं बुकिंग डेट, ओके, तो ये बुकिंग डेट कर दिया हमने। और बुकिंग डेट जो है डेट एंड टाइम डेटा टाइप होगा, यहाँ पे डेट एंड टाइम डेटा टाइप है, मैं 2016 यूज कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का वर्जन। और यहाँ पर एट लास्ट फुल नेम आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर फुल नेम जो भी टाइप की फिश हो, ठीक है, तो यहाँ पे फुल नेम यहाँ पे दे दिया हमने। और यहाँ पे फुल नेम में जो है हम क्या करेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट ही रख लेता हूं मैं और यहां से व्यू पे कर देते हैं क्लिक, ठीक है। लेकिन अब इसमें ऐड क्या करना है, इनको ऐड करना है नीचे, जैसा कि इन्होंने बताया है इनको ऐड करना है नीचे फिश का जो नेम है, नेम के ठीक नीचे इनको ऐड करना है फिश का रेट, तो यहां पर रेट कर देता हूं मैं RATE और रेट को रख लेते हैं करेंसी रेट टाइप, यहाँ पे करेंसी कर देते हैं, ठीक है। और फिर नीचे रेट के बाद फिश का वेट ऐड करना, कितना वेट है, ठीक है, तो यहाँ पे कर देता हूँ वेट, तो जो भी वेट होगा वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कर देता हूँ नंबर डेटा टाइप और यहाँ पे कर देता हूँ डबल, डबल इसलिए कि हो सकता है कोई आधा किलो खरीदे या एक किलो खरीदे, ढाई किलो खरीदे, साढ़े तीन किलो खरीदे, पौने चार किलो खरीदे, ऐसा खरीदेगा कोई, तो इसके लिए हमें डेसिमल वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए हमने ये कर दिया है, ठीक है। और ये जो रेट है वो यहां पे दे दिया है। अब यहां पे देख सकते हैं आप, इसे टोटल अमाउंट कर देता हूं यहां पे रख लेते हैं हम कैलकुलेटेड, ठीक है, ये कैलकुलेटेड आपको इसमें नहीं मिलेगा, 2007 वर्जन में नहीं मिलेगा, तो यहां पर आपको कैलकुलेटेड डेटा टाइप का यूज करना है। अब यहां पर कर लीजिए आप वही सेम चीज, रेट इनटू वेट, ठीक है, और ओके प्रेस कर दीजिए, ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे व्यू पे कर दीजिए क्लिक, तो यहां पे देख सकते हैं एक किलो का 180 रुपए आया हुआ है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि एक किलो हम नहीं खरीदते हैं, डेढ़ किलो खरीदते हैं तो क्या होगा, तो 1.5 लिखता हूं, ठीक है, तो यहां 1.5 किलो का ऑटोमेटिकली 270 रुपए आ रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं 180 रुपए, और अगर डेढ़ किलो खरीदा
तो 270 रुपए आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से अब हम इसके लिए फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। हम यहां से फॉर्म विजार्ड पे चले जाते हैं, ये फॉर्म विजार्ड पे आ गए हम, और यहां पर उन सारी चीजों को ऐड करा सकते हैं हम, जो जो चीजों की हमें जरूरत हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है इसमें, तो मैं देख लेता हूं क्या क्या चीजें इन्होंने दी है। आईडी लिया हुआ है तो आईडी ले लेता हूं मैं भी, ठीक है। नेम ले लेता हूं, मैंने एक ही टेबल में कर दिया है सारी चीजों को, आप चाहे तो अलग अलग टेबल में भी कर सकते हैं, दो टेबल से भी आप इसको फेच कर सकते हैं। मोबाइल, सिटी, बुकिंग डेट, फुल नेम, रेट, वेट, टोटल अमाउंट, ये सारी चीजें हमने ले ली, ठीक है। और यहां से इस तरह से करके और यहां से फिनिश पे कर दिया, चीजें इस तरह से डिस्प्ले होने लगेंगी आपको, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने ऐड कर लिया और इसको डिजाइन व्यू पे लेकर के, और यहां पर चाहे तो आप सारा जो फॉर्मेटिंग है यहां पे कर लीजिए। यहां पर जाकर के होम पे चले जाइए, फिर यहां से जाकर के आप इसको ब्लैक कर दीजिए और इसको कर दीजिए व्हाइट, यहां से व्हाइट कर लीजिए, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको चाहे तो आप सेंटर में लेके आ जाइए, यहां से पीछे का हिस्सा, ये जो बैकग्राउंड है इसको कलर कर सकते हैं, कोई हल्का लाइट कलर हो तो आप वो कलर आप प्रोवाइड कर सकते हो यहाँ पे। तो ये कलर हमने प्रोवाइड कर दिया, और पूरा का पूरा डेटा हम सिलेक्शन में ले लेते हैं, और सिलेक्शन में लेकर के बोल्ड कर देते हैं, और बोल्ड करने के बाद यहाँ पर पूरे डेटा को ब्लैक कर देते हैं, तो ये ज्यादा अच्छा दिखेगा। तो ये इस तरीके से आपका दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये तो बात रही आपकी कि टोटल वेट और रेट ये इस तरह से कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसको पहले सेव कर लेता हूं मैं, सेव कर लिया। आगे सवाल देखते हैं आपका क्या सवाल है। अब जैसे ही मान लीजिए कि अब हम सेकंड डेटा एंटर करते हैं, ठीक है, यहाँ पे नेम कुछ भी लिख देता हूँ, कुछ भी, फॉर एग्जांपल कुछ भी आप लिख दीजिएगा नेम, टैप करता हूँ, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर आएगा, तो जो भी मोबाइल नंबर वो डाल दीजिए, कर देता हूँ लखनऊ, ओके। और यहां से देखिए डेट, वो डेट डाल दीजिए आप, ठीक है। और यहाँ पे फुल नेम जो भी नेम हो वो डाल दीजिएगा, फिश का जो भी कुछ नेम हो। और मान लीजिए यहाँ पे रेट है 220 रुपए किलो, ठीक है। और मान लीजिए आपने खरीदा 5.3 किलो, तो इसका रेट क्या आएगा, यहाँ पे आ गया इसका रेट, तो रेट ऑटोमेटिकली आ जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से करके आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर कर सकते हैं आप। आप चाहे तो दो टेबल बना करके दोनों का डेटा फेच करा सकते हैं, उसके लिए एक अलग से वीडियो मैं डाल दूंगा। फिलहाल उम्मीद है कि इससे आपका काम हो जाना चाहिए, और फिर भी कोई दिक्कत होती हो तो मुझे बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।